बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर टीचर तैमूर एजाज एंड आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इससे हम प्रीवियस वीडियोस में फर्स्ट ईयर हैरो की रीडिंग और ट्रांसलेशन जो है वो कर चुके हैं और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपके पास अगर कोई की बुक है या जहाँ से आप क्वेश्चन आंसर्स बाकी प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ से आप ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करके उनके आंसर्स जो हैं वो करा दूंगा। तो अगर आपके पास कोई की बुक या कोई हेल्पिंग मटेरियल मौजूद नहीं है तो आप ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इनके जो आंसर्स अभी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इनको भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स का सेशन। जी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चन व्हिच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर एंड नॉट दोज व्हिच दे कैन आंसर, इज द कंप्लेंट जस्ट। तो क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि एग्जामिनर्स आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, राइटर ये कहता है कि एग्जामिनर्स आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं जो स्टूडेंट आंसर नहीं कर सकते और वो क्वेश्चन नहीं पूछते जो आप आंसर कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि ये कंप्लेंट जो राइटर ने की है यानी उसका गिला या शिकायत जो है वो किसी हद तक दुरुस्त है। इसका आंसर है टू सम एक्सटेंट दिस कंप्लेंट इज ट्रू, कि कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, बट मोस्टली इट डज नॉट हैपन, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। इट इज़ द कंप्लेंट ऑफ डल स्टूडेंट्स, जो नालायक स्टूडेंट होते हैं वही ये कंप्लेन करते हैं हमें जो क्वेश्चन आते हैं कि वो पूछे नहीं गए जी, अक्सर ऐसे ही होता है। हार्ड वर्किंग कैन आंसर एनी क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम, क्योंकि हार्ड वर्किंग ने सारी स्टडी की होती है तो वो किसी भी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो उसका इजीली आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स, ठीक है कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनर्स की तरफ से, आया कि वो इजी क्वेश्चन पूछते हैं या टफ पूछते हैं। तो दरमियानी सिरा अपनानी है, अवर एग्जामिनर्स आस्क इजी एज वेल एज डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, यानी हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम भी वैसे भी यही है कि कुछ क्वेश्चन ईजी पूछे जाते हैं और कुछ जो है वो उसमें टफ या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे आस्क सच क्वेश्चंस व्हिच कैन डिस्टिंग्विश अ डेलिजेंट स्टूडेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी वन, यानी एग्जामिनर्स इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि जो डेलीजेंट यानी जो थोड़े हार्ड वर्किंग या इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनको ऑर्डिनरी स्टूडेंट से क्या होता है सेपरेट किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो फर्क किया जा सकता है। जी, क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशन, ये आपने लेसन में भी पढ़ा था कि चर्चिल ने एग्जामिनेशन यानी एग्जाम में क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका था। तो इसका आंसर है ही लाइक्ड पोएट्री एंड से राइटिंग, ये आपने पढ़ा था उसमें भी लेसन में कि चर्चिल को जो है वो पोइट्री और एसे जो था वो पसंद था, यानी चर्चिल का जो इंटरेस्ट था वो पोइट्री और एसे राइटिंग में था। बट द एग्जामिनर्स वर इंटरेस्टेड इन लैटिन एंड मैथमेटिक्स, लेकिन एग्जामिनर्स जो क्वेश्चन पूछते थे एग्जामिनेशन में वो लैटिन लैंग्वेज लतीनी जुबान के होते थे और मैथमेटिक्स के होते थे और उसमें चर्चिल साहब इंटरेस्ट रखते ही नहीं थे। ही डिड नॉट नो द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, इसलिए उसे क्वेश्चन आते इंटरेस्ट नहीं था तो उसे आंसर्स भी नहीं आते थे क्वेश्चन के, तो ही कुड नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन, इसलिए वो एग्जामिनेशन में यानी एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका था। क्वेश्चन नंबर फोर है, हाउ डिड ही डू हिज लैटिन पेपर, कि उसने अपने लैटिन यानी लातिनी जुबान का जो पेपर था एग्जाम था वो किस तरह उसने अटैम्प्ट किया था। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक्य पढ़ा था रीडिंग के दौरान हमने कि ही डिड हिज लैटिन पेपर बैडली, बहुत बुरा किस्म का उसका पेपर हुआ था। कैसे हुआ था, ही जस्ट रोट हिज नेम, उसने सिर्फ ऊपर क्या लिखा था अपना नाम लिखा था, क्वेश्चन नंबर वन इस तरह लिखा था एंड आफ्टर मच रिफ्लेक्शन और बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट दस, और क्वेश्चन नंबर वन जो लिखा हुआ था उसमें ये देखें आंसर में आपको लिखा हुआ है मन की गेंद, उसने क्या किया था ब्रैकेट डाल दी थी। दैट अनोइंगली ही पुट अ ब्लॉट एंड मेनी स्मजेस ऑन द पेपर, ये हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था कि उसका इंक का जो ब्लॉट था दाग पड़ गया था उसके ऊपर, बहुत सारे डॉट्स उसके पड़ गए थे, उससे कुछ लिखने नहीं हुआ था और इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं लिखा था, ठीक है, यानी सिर्फ ऊपर क्या लिखा था नाम लिखा था, क्वेश्चन नंबर वन लिख के ब्रैकेट डाली थी और बहुत सारे ब्लॉट और स्मजेस डाल दिए थे पेपर में, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, वॉज इट अ गेन और लॉस, यानी चर्चिल को हैरो स्कूल में क्या पढ़ाया गया था जी, इंग्लिश पढ़ाई गई थी, लैटिन और ग्रीक में उसे एडमिशन ही नहीं दिया गया था। अब ये जो उसने सिर्फ इंग्लिश पढ़ी थी, वाज इट गेन और लॉस, यानी इससे उसे फायदा हुआ था या नुकसान हुआ था। तो इसका आंसर है जी,
चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, इट वॉज अ गेन फॉर हिम, यानी उसने लैटिन और ग्रीक नहीं पढ़ी थी, सिर्फ क्या पढ़ा था, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी थी, एंड इट वॉज अ गेन, और ये उसके लिए फायदेमंद साबित हुई थी। कैसे? दिस नॉलेज प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर हिम इन फ्यूचर टू अर्न हिज लिवलीहुड एंड अ प्रोमिसिंग कैरियर। यानी कैसे फ़ायदा हुआ था कि एक तो इंग्लिश लैंग्वेज वो पढ़ता रहा, तो उसमें जब प्रैक्टिकल लाइफ में गया तो उसने जो उसकी जो अर्निंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त हुई थी, एंड ए प्रॉमिसिंग कैरियर, उसका जो कैरियर था, फ्यूचर था, वो बन गया था, संवर गया था फ्यूचर। यानी बहुत ज़्यादा उसने हेल्पफुल किया था, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी अर्निंग में उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई थी, ठीक है, क्योंकि आगे जाके इंग्लिश लैंग्वेज ही हर तरफ यूज़ होती थी, तो चर्चिल जो था उसने पढ़ी इंग्लिश थी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई थी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट गुड डिड हिज 3 ईयर्स स्टे एट हैरो डू हिम, इन ये 3 साल वो हैरो में रहा था तो क्या उसके लिए अच्छा हुआ था, क्या फ़ायदा हुआ था उसे वहाँ पे 3 साल रहने का। जी, हिज थ्री ईयर्स यहाँ पे आएगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये स्टे एट हैरो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चर्चिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था चर्चिल के लिए। हेयर ही लर्नड द बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है यहाँ पे, कि उसने बेसिक रूल्स जो थे वो पढ़े थे इंग्लिश के। दिस नॉलेज प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर हिम इन फ्यूचर टू अर्न हिज लिवलीहुड एंड ए प्रॉमिसिंग कैरियर, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसका आंसर है, कि उसने बेसिक रूल जो पढ़े थे इंग्लिश के, आपने लेसन में भी पढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल साबित हुआ था, और उसकी जो लिवलीहुड थी यानी अर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ था उसके लिए, ठीक है जी। क्वेश्चन देखें, मिलते जुलते हैं आपका आंसर, क्वेश्चन दोनों में से एक ही आएगा, मीनिंग सेम ही है जी। इन आफ्टर years, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड हिम इन गुड स्टेड, ये भी तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है, कि बाद में जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में गया था तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो नॉलेज था वो उसे किस तरह उसने फ़ायदा पहुँचाया था। इन आफ्टर years, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर हिम इन प्रैक्टिकल लाइफ, यानी जो इंग्लिश उसने सीखी थी हैरो में वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हुई थी। By knowing his national language, he faced no difficulty in daily affairs of life. क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, तो वो डेली लाइफ में वही यूज़ होती थी। जब उसने ये सीख ली तो उससे जो डेली अफेयर्स थे, मतलब कम्युनिकेशन थी, कम्युनिकेट करता था लोगों से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ही बिकेम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, बड़ा कामयाब किस्म का सियासतदान बना था, ठीक है। सियासतदान का और काम क्या होता है, बातें ही करनी होती हैं उन्होंने, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है, और उसे इंग्लिश लैंग्वेज पे, क्योंकि हर तरफ कम्युनिकेशन उस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज में थी, ठीक है, तो उसने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो होल्ड था उसे लैंग्वेज पे, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉलिटिशियन बन गया। वैसे तो पॉलिटिशियन होते बातों नहीं है, बातों के खिलाड़ी होते हैं, वर्ड्स इधर उधर कर देते हैं जी। राइट एंड एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म चर्चिल्स व्यूज इन रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग अ लिविंग। एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म, यानी उसकी या तो उसकी तारीफ करनी है या क्रिटिसाइज करना है, कि चर्चिल ने जो पढ़ी थी लैटिन और ग्रीक नहीं पढ़ी थी और सिर्फ इंग्लिश पढ़ी थी, ठीक है। यानी अगर अप्रिसिएट करना है कि अगर उसे फ़ायदा हुआ था तो अप्रिसिएट कर दें, ठीक है, नुकसान हुआ था तो क्रिटिसाइज कर दें। यानी अपना व्यू बताना है आपने कि उसने लैटिन और ग्रीक नहीं पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी थी, तो उसके बारे में बताएं ज़रा जी। इसका आंसर है, इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इन दिस इरा, यानी आज के दौर में इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। इट्स नॉलेज इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज, क्योंकि न्यूज़ आजकल पाकिस्तान की भी और इंटरनेशनल भी, यानी अपनी कंट्री की भी, इंटरनेशनल न्यूज़ भी इंग्लिश में आती हैं, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बड़े अच्छे तरीके से नेशनल इशूज़ को भी समझ सकते हैं और इंटरनेशनल इशूज़ को भी समझ सकते हैं। वी कैन अर्न अ हैंडसम लिविंग बाय नोइंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है, किसी भी जगह आप मार नहीं खाएंगे, चाहे वो टीचिंग फील्ड है, कम्युनिकेटिव फील्ड है, यानी हर जगह पर आपको इंग्लिश हेल्पफुल आपके लिए होगी। ग्रीक एंड लैटिन हैज़ नो मोर इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न इरा, आजकल ना ग्रीक बोली जाती है, यूनानी जुबान बोली जाती है, ना लैटिन, लातीनी जुबान बोली जाती है, इसलिए इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आजकल वो उसी चीज़ की इंपॉर्टेंस है जो आपके लिए क्या है, यूजफुल है, हेल्पफुल है, जो यूज़ होती है। ग्रीक एंड लैटिन यूज़ ही नहीं होती, तो इसलिए उनके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है जी, ठीक है। ये थे जी आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको पेपर में वैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो कोशिश करें कि मिस्टेक ना हो। और स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आपके पास की बुक है तो वेल एंड गुड, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको आंसर्स समझने में आसानी रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे जी, थैंक यू।
एंड अल्लाह हाफिज़।